मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट की संख्या 55% है। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। मैंने ध्यान दिया कि आज 21 टॉपर्स स्टेज पर आए, उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है। मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियाँ हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिला और लड़कियाँ अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वुमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कल्हन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लीड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह भारत ने G20 की लीडरशिप दी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में G20 से जुड़ा U20 कंसल्टेशन हुआ। इस Y20 कंसल्टेशन में बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और वाटर रिसोर्सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते सुझाए गए। नौजवानों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने के उस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की टीम की मैं तारीफ करती हूँ।